कोरोना से जंग जीत कर आए चैल विधायक संजय गुप्ता ने आयोजित की पत्रकारों से वार्ता। वहीं मीडिया से वार्ता में राम वन गमन मार्ग श्रृंगवेरपुर से क्रुई घाट के अयोध्या से चित्रकूट तक जाने वाले फोर लेन सड़क की सौगात प्राप्त होने से मीडिया के माध्यम से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आभार किया। ऐसा पूर्वजों का मानना है कि चैल विधानसभा के अंतर्गत स्थित क्रुई घाट से ही गंगा पार कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने चरवा होते हुए चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया था। उसी तर्ज पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम वन गमन मार्ग को बनाने के लिए शासन से धनराशि स्वीकृत कर दिया है। देखिए, राम वन गमन मार्ग ये अयोध्या से चलकर चित्रकूट को जोड़ने वाली ये सड़क है। इस राजमार्ग में ये राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, जिसका अलाइनमेंट माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के प्रयास से पहले जो था उस पर कुछ परिवर्तन किया गया है। मैंने माननीय जी से आग्रह किया था कि प्रभु श्री राम श्रृंगवेरपुर से गंगा पार करके मेरी विधानसभा चायल के कुरई घाट को उतरे थे, तो ऐसी स्थिति में श्रृंगवेरपुर से ही गंगा का पुल बनाकर कुरई घाट पे ही गंगा का पुल उतार कर और उधर से ही सड़क निकाल के चित्रकूट वाली सड़क पे जोड़ने का काम किया जाए, जो कि पहले के अलाइनमेंट में नहीं था। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक नया प्रस्ताव तैयार करा के माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के समक्ष उसको उन्होंने रखा और रखकर उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकृत कराया। उस प्रस्ताव के स्वीकृति के बाद जो विभागीय प्रक्रिया होती है, उस विभागीय प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 452 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त धनराशि अवमुक्त हो गई है, जिसमें से हमारी कौशाम्बी हमारी विधानसभा चायल को एक गंगा का पुल प्राप्त हो रहा है, रेलवे का फ्लाईओवर प्राप्त हो रहा है और नए अलाइनमेंट के तहत किसानों की जमीन अधिग्रहण करके एक नई फोर लेन सड़क भी प्राप्त हुई है।